दिल्ली में संघ और पार्टी आलाकमान के साथ मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं की गुरुवार को हुई बैठक में 2023 का रोड मैप को लेकर चर्चा हुई। बैठक में संघ ने बीजेपी को आगामी चुनाव में आदिवासी दलितों की योजनाओं पर फोकस करने के हुए हार्ड हिंदुत्व के जरिए उतरने का सख्त आदेश दिया है ताकि 2023 चुनाव आसानी से फतह किया जा सके। दिल्ली में मंथन से निकला अमृत, 2023 के लिए बीजेपी का एजेंडा तय। 2023 में हिंदुत्व होगा बड़ा मुद्दा। दिल्ली में गुरुवार को मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं और पार्टी आलाकमान की संघ नेताओं के साथ 2023 चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा में 2023 चुनाव के लिए हार्डकोर हिंदुत्व का एजेंडा सामने आया। कहा जा रहा है कि संघ ने प्रदेश बीजेपी को दो टूक बोला है कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा बल्कि हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर चलना भी होगा, तभी 2023 में चुनाव फतह किया जा सकता है। संघ के बैठक में जो तय हुआ उसमें मुख्य तौर पर तीन बड़ी बातों पर फोकस करने को कहा गया है। यूपी की तर्ज पर उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, बेलगाम अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सर्वे के आधार पर नए चेहरों को जगह दी जाएगी। मतलब ये अगर कहीं कोई पत्थरबाजी करता है तो उसके खिलाफ यूपी की तर्ज पर सख्त कार्रवाई होगी। जन प्रतिनिधियों की बातों की अनदेखी करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही कैबिनेट में कुछ चेहरों की एंट्री भी हो सकती है। सवाल है कि आखिर बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर क्यों चलना चाहती है, तो इसके कई कारण हैं। मसलन यूपी में हिंदुत्व का मॉडल सफल रहा, योगी ने आक्रामक नीति अपनाई थी जिससे यूपी में बीजेपी को फायदा मिला। कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व के समर्थक रहे हैं, कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व के रोड मैप पर चल रहे हैं, ऐसे में ध्रुवीकरण की स्थिति शायद ही बन पाए। आक्रामक रुख रहेगा तभी ध्रुवीकरण हो सकता है, इसीलिए हार्डकोर हिंदुत्व पर चलने का फैसला लिया गया है। 2023 के मद्देनजर प्रदेश में संघ सक्रिय है, लगातार अलग अलग इलाकों में फीडबैक लिए जा रहे हैं। जो इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतना संभव नहीं, ऐसे में एक सख्त और अलग रवैया अख्तियार करना होगा जिससे कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सके। जाहिर है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई से ही बन सकता है, इसीलिए संघ ने संगठन को इन बातों की तरफ आगाह किया है। टीम न्यूज़ स्टेट।